हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, एक दिन आप ऑफिस में होते हैं, अचानक आपका एक दोस्त आता है और आपसे कुछ पैसे की मांग करता है। जी हाँ, कुछ पैसे की मांग करता है। आपका दोस्त ये कहता है, आपके पास उस समय ऑफिस के काफ़ी सारे पैसे हैं, आपका दोस्त कहता है कि मुझे यह पैसा सिर्फ एक दिन के लिए दे दो, मुझे सख्त ज़रूरत है, इस पैसे से मेरा ये काम हो जाएगा, मैं कल शाम तक वापस कर दूँगा, यानी कल ऑफिस खुलने तक मैं लाके सारा पैसा वापस कर दूंगा। क्या आप उस समय आप क्या करेंगे? एक इंटरव्यू के दौरान जब यह प्रश्न पूछा गया कि आपका दोस्त ये पैसे मांग रहा है, आपके पास पैसा है? जी हाँ, किसका पैसा है? कंपनी का पैसा है। आपके पास पैसा है, आप उसके इंचार्ज हो, आप उसके मालिक हो, वो मांग रहा है, एक दिन के लिए मांग रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती है, शायद आप ना दे तो दोस्ती टूट जाएगी। क्या करेंगे आप? आपको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या आप कोई और तरीका अपनाएंगे, या उसकी समस्याओं को हल करेंगे और पैसे दे देंगे, आप क्या करेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो फिर आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब क्या होना चाहिए? आज मैं यही बात करूंगा आपसे कि अगर इस तरीके का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक दिन आप ऑफिस में हैं, अचानक आपका दोस्त आता है, आपके पास ऑफिस का पैसा रखा हुआ है, वो आपसे मांगता है, मुझे सख्त ज़रूरत है, इस पैसे को दे दो, कितना है ये नहीं, इस पैसे को दे दो, मैं कल सुबह ऑफिस खुलने तक मैं पैसे ला दूंगा, ठीक है, आप क्या करेंगे उस समय? अगर आपसे ये पूछा जाए आप क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सीधा सा जवाब हो सकता है कि सर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप जवाब क्या देंगे कि कंपनी का पैसा मेरा नहीं है लेकिन दोस्त मेरा है, कंपनी का पैसा मेरा नहीं है लेकिन दोस्त मेरा है, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे मैं कैसे दोस्त दे सकता हूँ, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ मेरी है ही नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज वो पैसा दिख रहा है तो उस दोस्त ने मांगा, लेकिन वो चीज़ तो मेरी नहीं है ना, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ, ये बात। तो मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, मतलब जो मेरी ड्यूटी है मैं अपनी ड्यूटी के साथ वफादारी निभाऊंगा, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। कंपनी ने मुझ पर भरोसा किया है, भरोसा करना, कंपनी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ, और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। दोस्त आज है, दोस्त मेरी मजबूरी को समझेगा, दोस्त यह अगर अच्छा वास्तविक मेरा दोस्त है और मुझे कुछ समझता है तो यह बात वह जरूर समझेगा कि यह कंपनी मेरे दोस्त की नहीं है, ना ही यह पैसा मेरे दोस्त का है, ये तो यह वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं उस पैसे को दे देता हूं, तो निश्चित रूप से मैंने कंपनी के साथ धोखा किया, मैंने, ये एक फ्रॉड होता है, एक क्राइम होता है, और मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। हो सकता है कि अगर वो समय पे उसकी नीयत बदल जाए, उस पैसे को देकर, और वो पैसे वापस न करें, मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है कि मैं उस पैसे को दोबारा जमा कर सकूं, तब तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी, और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाएगा। तो मुझे इस तरह की कोई भी दोस्ती नहीं निभानी है, इस तरह के कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभानी है जो मेरा जीवन बर्बाद कर दे, मेरी नौकरी को खा जाए और मेरे भरोसे को तोड़ दे, मेरे साथ विश्वासघात करे। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य सारी बातें आपने कहा लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था, अगर हाँ या ना में जवाब है तो सिर्फ ये है कि मैं कंपनी का पैसा कभी नहीं दे सकता, कंपनी का पैसा जिसका है उसी के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, यही आपका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है, यही सही जवाब होता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति ने कोई बैंक में काम कर रहा था और उसका दोस्त पैसा मांगा, वह दे देता है लेकिन वह दूसरे दिन पहुंचा नहीं पाता है, जिसके वजह से उस पर कार्रवाई होती है, उस पर कमेटी बैठती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। तो कोई भी ऐसा दोस्त आपको अगर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के मंसूबे लेकर आता है तो निश्चित रूप से आपकी सोच भी यही होनी चाहिए, और इंटरव्यू के दौरान अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके रीजन क्यों करेंगे और क्या वजह है, ये सारी चीज़ आप इस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि आपका दोस्त है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो नौकरी चली जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर नौकरी तो चली जाएगी, उसका काम नहीं होगा, अगर पैसा मैंने दे दिया तो उसका काम नहीं होगा। सर इसकी क्या गारंटी है कि आज मैंने पैसा दे दिया कल वो सुबह तक लाके मुझे पैसा दे देगा,
अगर वो पैसा लेके नहीं दिया तब तो मुझे मुझे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में और कैश क्राइम के अंतर्गत मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, आप भी मुझे निकाल देंगे, आप भी अपने यहां जॉब पे नहीं रखेंगे। तो हर हाल में नुकसान तो मेरा हो रहा है। रही बात कि अगर उसकी मदद करनी है तो उसके और रास्ते भी होने चाहिए, क्योंकि यह पैसा तो मेरा है नहीं, उसे तो ये समझना चाहिए कि यह पैसा तो उसका है नहीं, ना मैं कंपनी का मालिक हूं, तो मेरी मेरा जो पैसे पर अधिकार, हाँ कंपनी से मैं लोन ले सकता हूँ, कंपनी से मैं एडवांस पैसे ले सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो कंपनी से मैं 20,000 ले सकता हूँ, सर मुझे सख्त जरूरत है, मेरे दोस्त को ये काम ये मैं कर सकता हूँ अगर उससे उसका भला होने वाला है, लेकिन कंपनी का पूरा पैसा मैं कभी नहीं दे सकता। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ ही इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।